रियालिटी शो बिग बॉस के सबका प्रतियोगी स्वामी ओम का 63 साल की उम्र अज देहांत हो गया। उन्होंने अपने घर NCR के लोनी स्थित DLP अंकुर विहार उन्होंने वालों आखिरी साह ले गए। खबर मुताबक स्वामी ओम के देहांत की पुष्टि उन्होंने दोस्त मुकेश जैन के पुत अर्जुन ने एक वैबसाइट के नाल गल करते हुए की। उन्होंने गलबात दस्सिया कि स्वामी ओम नू पैरालाइज यानी कि लकवा होया होया सी, जिस तो बाद उन्होंने हालत ज्यादा बिगड़ गई सी। स्वामी ओम का अद्धा शरीर लकवे का शिकार हो चुका सी। खबर ने कि स्वामी पिछले काफी दिनों तो बीमार चल रहे सन अते करीब 3 महीने पहला कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए सन। हालांकि वह कोरोना तो ठीक हो गए सन पर कमजोरी कारण उन्होंने तुरन विच परेशानी हो रही सी। दसा जा रहा है कि उन्होंने अंतिम संस्कार अज निगम बोध घाट दिल्ली विच कीता जाएगा। राज्यसभा की कार्रवाई भलके सवेरे 9 बजे तक लई मुलतवी हो गई है। श्रोमणी अकाली दल बादल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल दे काफले ते बीते दिन जलालाबाद विच होए हमले नूं लैके अज अकाली दल लुधियाना दे शहरी प्रधान रणजीत सिंह ढिल्लो दी अगवाई हेठ लुधियाना दे विच घंटा घर चौक विच अकाली वर्करां वल्लों पंजाब सरकार दे खिलाफ जम के प्रदर्शन किया गया। इस मौके उन्हां वल्लों पंजाब सरकार दा पुतला भी साड़िया गया। अकाली दल दे प्रदर्शन नूं लैके पुलिस वल्लों इत्थे सुरक्षा दे सख्त इंतजाम किए गए सन। आज सिंगू बार्डर से प्रशासन वालों लगाई गई रोकों को लेकर माहौल तनावपूर्ण हो गया। हजारों की गिनती में किसान हत्था विच किसानी के झंडे लेकर मेन बैरीकोट तक पहुंच गए और रास्ता खोलो की नारेबाजी की। करीब एक घंटा माहौल तनावपूर्ण बनया रहा। इस उपरंत पहुंचे सुरक्षा अधिकारियों विचों उच्च अधिकारी पटेल और किसान आगू विचारे गलबात हुई, जिस तों बाद माहौल को शांत करवाया गया। नगर पंचायत भिखीवेंड दी चोणां नूं लैके बीते कल नामजदगी पत्र दाखल करन मौके चली गोली तो बाद अज नगर पंचायत भिखीवेंड दा दफ्तर पूरी तरह पुलिस छावनी विच तब्दील हो गया है। पुलिस जिला तरन तारण दे SSP तरुमन एच निंबले आप खुद भिखीवेंड पहुंच के सुरक्षा प्रबंधा दा जायजा लै रहे ने। उन्हां श्रोमणी अकाली दल दे उम्मीदवारां नूं पुलिस सुरक्षा दे के नायब तहसीलदार अजय कुमार ने नामजदगी पत्र दाखिल करवाउण लई लिआंदा, जिन्हां दी अगवाई 2 DSP कर रहे ने। इस मौके उच्च अधिकारियों ने सारियां पार्टियां नूं यकीन दवाया कि किसी दे वी नामजदगी कागज नहीं रहण दित्ते जाणगे। हर पार्टी के हर उम्मीदवार के कागज दाखिल करवाए जाएंगे। उथे भिखीवेंड के कांग्रेसी आगुआ वालों अपने कागजों को दाखिल करवाने में देरी होने से पुलिस मुलाजमान के नाल तलखी भी की। सुप्रीम कोर्ट ने गणतंत्र दिवस मौके किसानों की ट्रैक्टर परेड दौरान हिंसा विरुद्ध दायर पटीशन से सुनवाई करने तो इनकार कर दिता है। सुप्रीम कोर्ट ने पटीशनकर्ताओं को कहा है कि वह सरकार के कोल अपील करन। सुनवाई दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि सानू उम्मीद है कि सरकार इस मामले ते कार्रवाई कर रही है, अजिहे विच असी इस मामले विच दखल नहीं देना चाहते, तुसी सरकार कोल अपील करो। बीती 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मौके किसानों की ट्रैक्टर परेड दौरान हुई हिंसा से लाल किले के निशान साहिब लहराउन के मामले में दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू सने 8 लोगों से इनाम का ऐलान किया है। दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू, जुगराज सिंह, गुरजोत सिंह, गुरजंट सिंह से 1-1 लाख रुपए का इनाम रखा है। उथे जसबीर सिंह, बूटा सिंह, सुखदेव सिंह, इकबाल सिंह से दिल्ली पुलिस वालों 50-50 हज़ार रुपए का इनाम रखा गया। विश्व के प्रसिद्ध पॉप सिंगर रिहाना ने भारत में लगातार चल रहे किसान अंदोलन के समर्थन में ट्वीट किए और सवाल किया कि इस बारे गल क्यों नहीं हो रही, जो कि भाजपा के कट्टर समर्थक और विवादग्रस्त अदाकारा कंगना रनौत को जाहिर है कि पसंद नहीं आया होगा। रिहाना के ट्वीट से भड़की कंगना ने रिहाना के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि इस बारे में कोई गल नहीं कर रहा, क्योंकि ये किसान नहीं बल्कि अतवादी ने जो भारत को वंडना चाहते हैं ता जो चीन वर्गे देश भारत पर कब्जा कर लें, USA वर्गी चाइनीज कलोनी बना दें। कंगना ने रिहाना ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੋ ਬੇਵਕੂਫ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੌਪ ਸਿੰਗਰ ਰਿਹਾਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਵਰਕਰ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। अमरीका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस ने ट्वीट करके भारत में चल रहे किसान अंदोलन से टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा कि दुनिया के सब तो बड़े लोकतंत्र पर हमला होया। उन्होंने ट्वीट किया लिखा कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि एक महीने तो भी घट समा पहला दुनिया के सब तो पुराने लोकतंत्र पर हमला होया सी, अते हुण असी सब तो वड्डी आबादी वाले लोकतंत्र पर हमला होंदिया वेख रहे हैं। एक दूजे नाल जुड़िया होया सानू सारयां नूं भारत विच इंटरनेट शटडाउन अते किसान अंदोलनकारियां ते सुरक्षा बलों की हिंसा नूं लैके नाराजगी जतानी चाहीदी है। भारत में चल रहे किसान अंदोलन के समर्थन में दुनिया भर दी मशहूर हस्तियां सामने आ रही ने। अमरीकी पॉप सिंगर रिहाना, वातावरण प्रेमी ते वर्कर ग्रेटा थनबर्ग, अमरीकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भतीजी और लेखिका मीना हैरिस ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किए ने। इस तो बाद हुण भारत सरकार की प्रतिक्रिया सामने आई है। विदेश मंत्रालय ने किसानों के विरोध में विदेशी व्यक्तियों संस्थावां वालों की जा रही टिप्पणियों पर बयान जारी किया है।
प्रेस स्टेटमेंट किया गया है कि यह बहुत ही मनभाग है कि कुछ ग्रुप अपनी खुदगर्जी एजेंडे लागू करने के लिए इन्हों विरोध प्रदर्शनों का सहारा लै रहे हैं और उन्होंने पटड़ी तो लाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हों स्वार्थी ग्रुपों में कुछ ने भारत विरुद्ध कौमांतरी समर्थन जुटाने की भी कोशिश की है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने बयान किसी भी कौमांतरी हस्ती का नाम नहीं लिया। देश दुनिया दी ताज़ा खबरों के लिए हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब की आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक के उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हाँ नाल ही दोस्तों नू पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल तुहाडी अपनी आवाज़ पंजाब दी आवाज़ अजीत।